Good morning, students. B.S. Jadhav, 212, Unit 4. Topic is chromosomal aberrations. Changes in the structure of chromosome, either involving changes in the total number of genes or in their arrangement in chromosomes or in the change in the number of chromosomes. This is also known as chromosomal variations. Chromosomal variation can be two type: structural changes and numerical changes. Structural changes can be changes in the number of gene and changes in the normal arrangement of gene. Changes in the number of gene two types ka hota hai. First is deletion, another is duplication. Changes in the normal arrangement of gene is translocation and inversion. Numerical changes, number of changes in the number of chromosome, known as euploidy and aneuploidy. Euploidy again two type ki hoti hai, haploidy and polyploidy. Aneuploidy, hypo and hyper. Hyper yani ki number of chromosome decreases and hyper yani number of chromosome increases. Hypo can be monosomic, can be nullisomic. Hyper, trisomic and tetrasomic. First structural changes. Or this is deletion, yani ki vilopan. Loss of one or more gene from a chromosome is known as deletion. Ek chromosome mein ek se jyada gene ka loss hona kya kehlata hai? Deletion or vilopan kehlata hai. Dekhiye sequence kya hai? A, B, C, D, E, F, G, H. Isme se kuch part ka deletion hua, like D, E, F ka. To next gene और नेक्स्ट क्रोमोसोम में जीन का अरेंजमेंट क्या हो गया? ए बी सी जी एच, यानी कि नंबर ऑफ जीन जो कि डिलीट हुए कितने हो गए? 3 हो गए. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डिलीशन. फर्स्ट इज टर्मिनल, अनदर इज इंटर कैलरी. अगर डिलीशन टर्मिनस पार्ट से होता है तो नोन एज टर्मिनस डिलीशन. व्हेन डिलीशन टर्मिनस पार्ट से होता है तो जी एच विल रिमूव. तो ए बी सी डी ई एफ, deletion at terminus. Next is intercalary. When deletion chromosome के मध्य से होता है और बीच में से होता है तो उसे intercalary deletion कहते हैं. Deleted part is DEF. Deletion is intercalary. Next is duplication. Duplication, particular part of gene is presented more than once in a chromosome and repeated part comes from another gene. रिपीटेड पार्ट कहाँ से आता है? अनादर जीन से. मतलब जो जीन है चेंज होगा ए बी सी डी, रिपीटेड पार्ट इज स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, कम्स फ्रॉम अनादर क्रोमोसोम. डुप्लीकेशन इट इज थ्री टाइप: टैंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन एंड डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन. टैंडम डुप्लीकेशन, द रिपीटेड सेगमेंट इज सिमिलर टू द जीन सीक्वेंस ऑफ ओरिजिनल क्रोमोसोम. ओरिजिनल क्रोमोसोम पर जो जीन की सीक्वेंस होती है, रिपीटेड पार्ट की भी वही सीक्वेंस हो, यानी कि सी डी. ये अदर बात है कि यहाँ पर कैपिटल सी कैपिटल डी जीन है जबकि यहाँ स्मॉल सी स्मॉल डी जीन है, बट सीक्वेंस जो होती है सेम होती है, ओरिजिनल क्रोमोसोम से मैच करती है. दिस इज टैंडम डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन यानी कि द्विगुणन, क्रोमोसोम का डबलिंग में जीन की डबलिंग हो जाती है. नेक्स्ट इज रिवर्स टैंडम, द रिपीटेड सेगमेंट लाइज नेक्स्ट टू द ओरिजिनल सीक्वेंस बट रिवर्स जीन सीक्वेंस. देखिए यहाँ सी डी है जबकि यहाँ क्या हो गया? डी सी, रिवर्स जीन सीक्वेंस, तो उसे हम रिवर्स टैंडम सीक्वेंस कहते हैं. नेक्स्ट इज डिस्प्लेस्ड, द रिपीटेड पार्ट लाइज इन से सम अदर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, किसी दूसरे पार्ट में लगता है, ए बी सी डी ई, कई और क्रोमोसोम से आता है और सीक्वेंस भी उनकी अलग हो. सी डी है लेकिन सीक्वेंस, सॉरी, द रिपीटेड पार्ट लाइज इन सम अदर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के कहीं और पार्ट पर लगा रहता है. देखिए सी डी के बाद ई आ गया, फिर सी डी आता है, और अगर दूसरी जगह है तो वो कहलाता है डिस्प्लेस्ड, और उसमें भी होमोब्रैंकियल और हेट्रोब्रैंकियल डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन होता है. एक ही आर्म के अंदर डिस्प्लेस्ड सीक्वेंस प्रेजेंट है तो उसे होमोब्रैंकियल यानी कि एक ही आर्म में, हेट्रोब्रैंकियल यानी कि
सेंट्रोमियर की दूसरी तरफ वाली ब्रांच में और दूसरी आर्म में प्रेजेंट हो। एक सीधी इधर है, दूसरा सेंट्रोमियर के दूसरी तरफ, तो उसे हेट्रोब्रैंकियल डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन कहते हैं। डिस्प्लेस्ड पार्ट ऑन डिफरेंट आर्म, डिस्प्लेस्ड सीक्वेंस ऑन सेम आर्म, दिस इज नोन एज डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ जीन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अरेंजमेंट ऑफ जीन में चेंज होता है। फर्स्ट होता है ट्रांसलोकेशन। अ ब्लॉक ऑफ जीन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनादर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। जीन का एक ब्लॉक एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर ट्रांसफर हो जाता है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉन होमोलोगस। दोनों आपस में कैसे होते हैं? और नॉन होमोलोगस होते हैं। तो आप ये देखिए, दिस इज़ अ वन क्रोमोसोम, दिस इज़ अनादर क्रोमोसोम, वो दोनों की सीक्वेंस मैच नहीं हो रही है, मतलब कि नॉन होमोलोगस है। और इसका कुछ पार्ट यहाँ चला जाए, क्यू आर यहाँ चला गया और जी एच यहाँ से यहाँ आ गया, दिस इज़ ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट इज इन्वर्जन। रोटेशन ऑफ ए ब्लॉक ऑफ जीन इन क्रोमोसोम एट 180 डिग्री, इट मीन्स सीक्वेंस ऑफ जीन इज ऑल्टर्ड बाय 180 रोटेशन। हम कह रहे हैं कि जीन के एक ब्लॉक का रोटेशन हो जाता है, कितने पर? 180 पर, जिसके कारण जीन की सीक्वेंस ऑल्टर्ड हो जाती है। देखिए, ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर रोटेशन हो गया 180 पर। रोटेशन के कारण अब यहाँ से क्या करता है? कट लग जाता है, तो जो सीक्वेंस डेवलप होगी, ए बी आना क्या चाहिए था? सी, लेकिन सी रोटेट हो चुका है, तो आएगा एफ ई डी सी जी एच। तो इसमें क्या हो गया? रोटेशन हो गया, सीक्वेंस का रोटेशन। यह दो प्रकार का होता है, पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक मींस फार फ्रॉम सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर इसमें पार्ट नहीं लेता है, और इस प्रकार के इन्वर्जन को पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। इफ इन्वर्जन में सेंट्रोमियर पार्ट लेता है तो उसे हम पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं, और वी कैन से सी पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। ये देखिए, सेंट्रोमियर ने रोटेशन में पार्ट लिया और बनने वाला पहले कहाँ पर है? ई और एफ के बीच के अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, और सीक्वेंस क्या थी? सी डी ई एफ। अब सीक्वेंस बदल कर चेंज हो जाएगी, ए बी सी डी, देन सेंट्रोमियर, फिर ई, फिर डी, फिर जी एंड फिर एच। दिस इज स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकल वेरिएशंस, यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी चेंजेस इन द सेट ऑफ क्रोमोसोम मीन्स अस चेंज इन्वॉल्व एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के एंटायर सेट में चेंज हो जाए, डुप्लीकेशन से हैप्लॉइड कंडीशन डेवलप हो जाए। मोनोप्लॉइडी, only one set of chromosome due to the parthenogenesis found in insect. Polyploidy, organism with more than two sets of chromosomes mainly present in plant. Triploid, three sets होते हैं। Tetraploid, four sets of chromosomes इसके अंदर present रहते हैं। In general, to increase productivity, resistance, fruit size, etc., most of the commercial crop used today are polyploid, give more yield, उसके कारण ज़्यादा yield मिलती है। Polyploidy can be two type, autoploidy and alloploidy. Self, जब same species के बीच में the same set of chromosome is present more than two times, अगर chromosome का एक set दो से ज़्यादा बार present हो तो उसे autoploidy कहते हैं। ऑटोप्लॉइडी कैन बी डेवलप्ड बाय एबनॉर्मल मियोसिस, एक के अंदर तो दोनों अलील आ जाए, दूसरे में एक भी अलील नहीं आए, और दिस गैमेट व्हेन रिएक्ट विद द अनदर गैमेट्स टेट्राप्लॉइडी कैन बी डेवलप्ड। ऑलोप्लॉइडी डेवलप डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जायगॉट फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। क्रोमोसोम्स की डबलिंग कैसे की जाती है? हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा की जाती है। कैसी स्पीशीज के बीच में? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज लाइक रेफेनस सटाइवस और ब्रेसिका ऑलेरेसिया, दोनों को आपस में मिक्सिंग किया जाएगा, तो कैपिटल आर से गैमेट बनेगा आर और इधर से बनेगा बी, तो जो स्पीशी होगी आर बी। और यहाँ पर क्रोमोसोमल डबलिंग कराई जाती है, क्रोमोसोम डबलिंग के कारण टेट्राप्लॉइड स्पीशी बनती है, दिस इज रेफेनोब्रेसिका।
This is raphanobrassica. Next is aneuploidy. Aneuploidy or heteroploidy. Change in the number of chromosomes in a set. This is known as aneuploidy. Reduction in normal number of chromosomes. This is known as hypoploidy. Monosomic. 2N minus 1. Loss of one chromosome from the diploid set of chromosome. क्रोमोसोम के डिप्लॉयड सेट में से एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाए, दिस इज नोन एज मोनोसोमिक. हमें पता है ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 26. दिस कंडीशन इज नोन एज 2N. अगर उसमें से एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो 2N-1, दिस इज नोन एज मोनोसोमिक. ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट मीन्स 44 प्लस एक्स और 0. तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम. फिनोटिपिकली फीमेल, शॉर्ट स्टेचर, webbed neck and small uterus and ovaries will develop. Double monosomic. 2N-1-1 मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम्स में से एक एक क्रोमोसोम का लॉस होता है. लॉस ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम डिफरेंट नंबर ऑफ जीनोम. जीनोम के अलग अलग नंबर से क्रोमोसोम्स का लॉस होता है. नलीसोमिक. 2N-2 एक ही सेट के दोनों क्रोमोसोम. द लॉस ऑफ बोथ द क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर. एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम का लॉस हो जाए, दिस इज नलीसोमिक. हाइपर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. पॉलीसोमिक एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम. क्लिनफेल्टर सिंड्रोम. देखिए एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाए तो उसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं. ट्राइसोमिक इफ सेक्स क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाए. XXY, वन एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज, 2N+1 यानी 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं. मीन्स वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन मेल. मेल के अंदर वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाते हैं. मेल बिकम स्टराइल एंड एग्रेसिव. स्मॉल टेस्टिस विल डेवलप. ट्राइसोमी ऑन ऑटोसोम्स. ट्राइसोमी ऑटोसोम्स पर भी हो सकती है. तो सिंड्रोम डेवलप करती है डाउन सिंड्रोम. 2N+1 एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है. ऑटोसोमल एन्यूप्लॉयडी का एग्जाम्पल है. एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 पर. इसके कारण से जो इंडिविजुअल है मेंटल डेफिशिएंसी, शॉर्ट स्टेचर एंड राउंड फेस और स्मॉल ईयर्स डेवलप होते हैं. नेक्स्ट इज एडवर्ट सिंड्रोम. ट्राइसोमी ऑन 18 क्रोमोसोम मतलब चेंजेस और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ इंक्रीज हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 18 पर. एक्स्ट्रा क्रोमोसोम विद 18 क्रोमोसोम. पटाऊ सिंड्रोम. एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑन 13 क्रोमोसोम. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी 13. 13 क्रोमोसोम के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं. पटाऊ सिंड्रोम से डेवलप एनिमल्स जो होते हैं, इंडिविजुअल्स जो होते हैं, मेंटली रिटार्टेड होते हैं. डबल ट्राइसोमी. 2N+1+1 टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट इन ट्रिप्लीकेट. तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल ट्राइसोमी. वाइल द अदर आर डुप्लीकेट. ओनली वन ट्रिप्लीकेट कंडीशन में है, बाकी सब कैसे हैं, डुप्लीकेट में. टेट्रासोमी. 2N+2 ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इन क्वाड्री डुप्लीकेट वाइल द अदर आर इन द डुप्लीकेट कंडीशन. थैंक यू.